क्या बीजेपी राजस्थान में हुई फजीहत के डर से पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है? नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र का सियासी खेल, महाराष्ट्र में ताजा सियासी उठापटक से कई कथानक सही साबित हो रहे हैं। राजा रंक होने की कगार पर है तो वहीं घर के भेदी ने ना सिर्फ लंका को ढहाने का प्लान बना लिया बल्कि पूरी लंका पर ही काबिज होने का व्यूरस डाला। शिवसेना अब किसी एक की सेना नहीं रही। उद्धव की सरकार पर संकट है, सहयोगी विपक्ष में बैठने की बातें करने लगे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो ना बैटिंग पिच पर है और ना ही बॉलिंग रनअप पर। वो बाहर बैठकर मैच देख रहा है, तेल के साथ तेल की धार भी परख रहा है। राजनीति के इस काबिल खिलाड़ी की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल उठता है, जब इस पूरे खेला का सूत्रधार ही बीजेपी है तो फिर वो पर्दे के पीछे क्यों है? आखिर क्यों वो वेट एंड वॉच वाले मूड में दिख रही है? कहीं इसका मुख्य कारण राजस्थान में 2020 में हुई वो फजीहत तो नहीं जिससे ना माया मिली ना राम? आइए तो जरा तफसील से समझते हैं क्या है पूरा खेल। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं और शिवसेना के दो तिहाई से ज्यादा विधायक लेकर मुंबई से चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार पर खतरा घर तक आ पहुंचा है। ऐसे में सरकार बनाने से महज एक कदम दूर भारतीय जनता पार्टी किसी भी सियासी चाल चलने से बसती नजर आ रही है। ना तो बीजेपी ने अपने सियासी पत्ते खोले हैं और ना ही किसी तरह की बयानबाजी का माहौल बनाया है, बल्कि पूरी तरीके से सतर्क है और जोर देकर कह रही है कि इस विद्रोही में उनका कोई लेना देना नहीं है। यह शिवसेना का आंतरिक मामला है। कभी बाला साहेब ठाकरे के लाडले रहे और उद्धव के बेहद करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे की बगावत से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस महासंकट के लिए शिवसेना के नेता बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। बीजेपी पर्दे के पीछे से ही पूरा खेल पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जल्दबाजी में एक बार नहीं बल्कि दो बार गच्चा खा चुके हैं, जिससे पार्टी की अच्छी खासी फजीहत भी हुई। जब साल 2019 में एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ जल्दबाजी में सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार ढाई दिन ही चल पाई। शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे अभी असम में डेरा जमाए बैठे हैं। बीजेपी पर हर बात पर इस पर नजर बनाए हुए हैं कि शिवसेना का अंदरूनी मामला और इसे बताती हुई ना कोई बयानबाजी कर रही है ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। लेकिन विधायकों के ठहरने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम बीजेपी शासित गुजरात और असम में किया गया है। इससे साफ है कि ये सियासी रण अगर किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी है। साल 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और विरोध में रही कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। लेकिन ढाई साल बाद उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं और दो तिहाई विधायकों को लेकर सरकार की विदाई की कहानी लिख डाली है। उद्धव सरकार का जाना तय मानने वाली बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो सरकार गिराकर शिवसेना को सहानुभूति देना चाहती है और ना ही मराठा कार्ड खेलकर कोई मौका देना चाहती है। दूसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि बीजेपी 2019 में महाराष्ट्र और 2020 में राजस्थान वाली गलती नहीं दोहराना चाहती है। साल 2019 में एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को कुर्सी तो मिली लेकिन मात्र 80 घंटे के सीएम रह पाए। इससे जो फजीहत हुई उसे बीजेपी ठोस संभावना बनाने तक खुद को पूरे खेल से दूरी रख रही है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि शिवसेना के बागी विधायक मुंबई लौटने के बाद कहीं वापस उद्धव के खेमे में ना लौट जाए, जैसा कि राजस्थान में सचिन पायलट मामले में बीजेपी ने देखा है। कांग्रेस में उस समय भाजपा पर राज्य में गहलोत सरकार को अस्थिर करने और विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। कांग्रेस के चाणक्य गहलोत भारी पड़े और अपनी सरकार बचा ली। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र मामले में शिवसेना और एनसीपी इसी का इंतजार में है कि बागी विधायक मुंबई लौटे, और शरद पवार पहले ही इशारा दे चुके हैं कि मुंबई आने पर स्थिति है वो बदलेगी। उद्धव कई बार कह चुके हैं कि हमारे विधायक आकर एक बार
बात तो करें। इस घटनाक्रम में कई मोड़ आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलकर एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि उनकी पार्टी का एमवीए सरकार के संकट से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा कि ये उद्धव की नाकामी है कि वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए। हालांकि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे खुद ही गिर जाए, ताकि बीजेपी पर एक मराठा मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का आरोप ना लगे। भाजपा इस बात को बखूबी समझती है कि हिंदुत्व की पिच पर भले ही शिवसेना से वो खुद को आगे कर ले, लेकिन जब बात मराठी असीमता की आती है तो शिवसेना से आगे नहीं निकल सकती। शिवसेना अब अपना पुराना हथियार मराठी असीमता को आजमाने के मूड में है, और ये हथियार शिवसेना के लिए अक्सर कारगर साबित हुआ है। इसलिए बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में दिख रही है और किसी भी तरह जल्दबाजी और उतावले बयानबाजी से बच रही है। इस घटना से ये तो साबित हो गया है कि सत्ता पाने तक ही खेल जो नहीं होता, बल्कि सरकार बचाना और चलाना ज़्यादा सरकार बचाने पर ध्यान दिया जाता है। कहने को लोकतंत्र है, लेकिन सबसे ताकतवर जनता मूक दर्शक बनकर अपना नुमाइंदों का सियासी दंगल देखने को मजबूर है। इसी तरह अब जो कहानी जो चल रही है, इसमें देखने वाली स्थिति ये होगी, क्या बीजेपी कहीं सरकार तो नहीं बना लेगी, या फिर शिवसेना के सरकार टूट तो नहीं जाएगी। लेकिन हम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।